ओम नमः शिवाय। बच्चों, आज हम लिटरेचर पढ़ाने जा रहे हैं। इतने दिन तक हम लोग लैंग्वेज किए हैं। आज लिटरेचर का पहला चैप्टर बकरी का अपराध। हम लोग तेनालीराम के नाम सुने हैं और तेनालीराम की कुछ कुछ कहानियां शायद तुम लोग भी पढ़े हो। यहाँ पर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है कि राजा कृष्णदेवराय की गलतियों को वो किस तरह अपनी बुद्धि के सहारे उनका सॉल्व करते थे। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि राजा कृष्णदेवराय जो है बहुत ही पेड़ पौधे के प्रेमी थे, विशेष करके फूल, तरह तरह के फूलों के प्रेमी थे। वो जहाँ भी दूसरे राज्य में जाते हैं वहाँ से अच्छे अच्छे फूल, जो भी बहुत खूबसूरत फूल का पौधा होता है उसको लेकर आते और अपने बगीचे में लगाते। तो एक बार वो बाहर गए थे दूसरे राज्य में, वहाँ से एक बहुत सुंदर सुनहरे रंग के फूल पौधा लेकर आया और माली को कहा कि इसको उसके बगीचे में इस तरह लगाए ताकि वो अपने कमरे के खिड़की से रोज उसे देख सके। और ये भी बताया कि उसको उस फूल का देखरेख, पौधे का देखरेख वो करे ताकि यदि पौधे न बचे तो उनका भी बचना मुश्किल है। माली तो इसका बहुत अच्छी तरह देखरेख कर रहा था। राजा भी रोज ही उसकी सुबह उठकर उसको देखते थे और खुश होते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक राजा उठकर देखता है कि बगीचा में पौधा नहीं है। तुरंत माली को बुलाया गया एवं सुना गया कि बकरी ने पौधे को चर गया, अर्थात बकरी पौधा चबा गया। बस राजा कृष्णदेवराय तो बहुत गुस्से में हो गए और उसको प्राणदंड देने का आदेश दे दिया। अब क्या होगा, तो अब चारों ओर तो हंगामा मच गया। उसकी पत्नी दौड़े दौड़े राजा के पास आया, लेकिन पत्नी, राजा ने तो कोई विचार नहीं उनको, तो पत्नी क्या किया कि उसने दौड़ते दौड़ते तेनालीराम के पास गया और सारी घटना तेनालीराम को कहा। तेनालीराम जब सारी घटना सुने तो उनको कुछ कहा, बोला ठीक है। दूसरे दिन नगर के सड़क पर बहुत हंगामा हुआ। क्या माली का की पत्नी अर्थात मालीन जो है नगर के रास्ते पर एक बकरी को बहुत पीट रहा है। कृष्णदेवराय के राज्य में ये रूल्स था कि किसी भी जानवर को पीटना अपराध माना जाता था। तो तुरंत उनको बुलाया गया कि इस तरह बेरहमी से एक बकरी को क्यों पीटा जा रहा है। तो तेनालीराम की पत्नी राजा के दरबार में आई और कृष्णदेवराय के पूछने पर बताया, क्या करें महाराज, यही वो बकरी है जिसने आपके सुनहरे फूल के पौधे को चबा गया था। इस कारण इसको तो ये तो घूम फिरा और इसी के कारण मैं विधवा हो रही हूँ और मेरे बच्चे जो है अनाथ हो रहे हैं। तो जो इतना बड़ा अपराधी है वो ऐसे ही, आप इतने न्यायप्रिय हैं और आपके राज्य में वो ऐसे ही घूमेगा एक अपराधी, इसी कारण मैं इसको दंड दे रहा था। तो कृष्णदेवराय तो समझ गए सारी बातें, तो बताया कि ठीक है, आपको आपके पति को हम तो दंड नहीं देंगे, हम माफ़ करेंगे, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। क्या? तो कृष्णदेवराय ने कहा कि आपको बोलना है कि ये जो आपके मन में ये जो बुद्धि आई, ये बुद्धि किसने आपको सुझाया? तो मालिन ने कही कि ये बात तेनालीराम का सुझाव है। राजा तो सब कुछ समझ गए और राजा तेनालीराम को कहा, तुम इसी तरह मेरे अन्याय जो डिसीशन होता है उस पर तुम अपनी हमारी नज़र आकृष्ट करते हो, हमारा नज़र डालते हो, तो बहुत अच्छा किया और खुश हो गए और तेनालीराम को माने पुरस्कार दिया। यह है कहानी। आज हम लोग पूरी कहानी तो एक दिन में संभव नहीं है, आज हम लोग कहानी का पहला चैप्टर का पहला पन्ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ साथ तुम लोग भी इसको पढ़ोगे। पहले पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जैसे क्लास में पढ़ते थे। अभी तो बेटा स्पेलिंग देना संभव नहीं है, तुम लोग हार्ड स्पेलिंग को अच्छी तरह लर्न करोगे, वर्ड मीनिंग दे देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं, हमारे साथ साथ तुम लोग भी पढ़ो इसको। महाराजा कृष्णदेवराय को पेड़ पौधे से बहुत लगाव था। उनके राज्य में पेड़ पौधों की कमी नहीं थी। एक बार महाराजा कश्मीर यात्रा पर गए, वहाँ उन्होंने बहुत सुंदर फूल वाले पौधे के बगीचे देखे। तुम लोग जानते हो कश्मीर को
माने स्वर्ग कहा जाता है, भूस्वर्ग कहा जाता है, इतना सुंदर वो राज्य है। तो वहाँ पर तरह तरह के बहुत सुंदर फूल है। तो राजा कृष्णदेव राय जब कश्मीर गए तो वहाँ से उन्होंने सुंदर सा फूल सुंदर फूल का पौधा लेकर आया। इनमें जिनमें से एक पौधा उन्हें बहुत पसंद आया, जिससे वे अपने साथ विजयनगर ले आए। उन्होंने अपने माली को बुलाया और उसे वो सुनहरे फूल वाला पौधा देते हुए कहा, इसे जाकर हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना जो हमारे कक्ष की खिड़की के ठीक सामने हो। कक्ष माने कमरा, हाँ, अर्थात कमरे से, कमरे की खिड़की से वे उस बगीचे को देख पाए और बगीचे के साथ साथ उस माने फूल को भी देख सके। एक बात मत भूलना, इसकी देखभाल जी जान से करना, अगर ये पौधा नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। समझ में आया? तो उसने माली को बता दिया कि इस पौधे का बहुत देखरेख करना, क्योंकि ये उसके बहुत मनपसंद पौधा है। यदि पौधा का कुछ हो गया तो उनके जान पर खतरा है। ठीक है, आज इतना दूर तक हम लोग पढ़ रहे हैं, कल फिर हम उसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय।